रेट कम करवाऊंगा। करेंगे क्यों नहीं करेंगे भाई, बार्गेनिंग के लिए लेके जा रहा हूँ इनको। ये वाला जो है ये बता रहे हैं भाई, कोई प्यार मत कर रहा है। नहीं फाइनल रेट भाई साहब, समोसा देखो कितना बड़ा है, आलू के पकौड़े क्या भाव है। सरदार बंदा उधर जाता जो कोई सिख जाता तो उन्होंने जोड़ा बिहेवियर आ उधर दी जड़े लोग आ मतलब उधर दे शॉपकीपर आ उन्हों का बिहेवियर कुछ होर हों। तो जेकर अज कोई आप कोई होर बंदा देखे मेरे वालों सारे जी प्यार भरी सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ने बहुत ज़्यादा वधिया होंगे घेंट होंगे। अज की जी वीडियो आप देखना है कि पाकिस्तान दे विच एक शख्स इधर इंडिया तो गए है तो उधर के बाज़ार मतलब कि करतारपुर साहब के बाज़ार के 500 रुपए के नाल की खरीद सकते हैं। ये अज आप देखना अज की वीडियो के वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि तुम किसी ने भेजी एंड दसिया कि बड़ी डिटेल्ड वीडियो है। सो करतारपुर बाजार की डिटेल्ड वीडियो अपनी देखी, शॉपकीपरस का बिहेव किदा दा अपने गैसट के दे नाल देखते हैं। सारिया गलों बात ध्यान च रखते हुए चैनल कर लो अपना सबसक्राइब पंजाबी रील टीवी एंड मेक श्योर वो नाल बनया एक ज्वाइन बटन उन्होंने भी तुम ज्वाइन करके सूँ सपोर्ट अपनी दिखा सकते हैं। सो मैंबरशिप लै लो तो अपने सुजैशन वधिया वधिया भेज दो सानू तो देखते हैं वीडियो आज। आई वॉन्ट टू चेक कि भाई 500 इंडियन रुपीज़ में आदमी आया क्या क्या खरीद सकता है। अच्छा तो मैंने जब एक्सचेंज कराया तो मुझे पाकिस्तानी अभी जो रेट चल रही है वो 925 समथिंग मिले। सो आई एम स्पेंडिंग 1000 पाकिस्तानी रुपीज इन द पाकिस्तान मार्केट 500 इंडियन रुपीज। और देखते हैं क्या क्या मिलता है, देखते हैं भाई। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना भाई, अजीता जी बाजार, दिस इज द बाजार जो कि पाकिस्तान के अंदर आएगा। यहाँ पे अपन शॉपिंग करेंगे भाई साहब 500 रुपए में, देखते हैं क्या क्या आता है। ये जो दो पाजी हमारे ये पूरा बैग भर के लेके जा रहे हैं मार्केट से। बता दो क्या क्या लिया। हाँ जी, बच्चे फैमिली के वास्ते लेके जा रहे हैं। हाँ, तो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ कर। ख्याल रखिए। तो ये जो आप लेन देख रहे हो पूरी, अच्छा सही है यार, व्लॉग भाई दा मतलब कि इहदा बोलन दा स्टाइल काफ़ी अच्छा है एंड कंटिन्यूसली चल रहा है, कि भी पाउज नहीं, विच बंदे बोर होंदी इहदे विच कोई गुंजाइश है नहीं। एंड आ सारा बाजार है करतारपुर साहब दा, खाने पीने का सामान, आप कुछ सुविनियर लेके जाना चाहते हो, कपड़े पहनना चाहते हो। हाँ जी सर, ये चिक्की पाकिस्तान की मशहूर सौदा मुल्तानी सोना हुआ। क्या 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 केस करेंगे मुल्तानी सोना हुआ। आधा ले ले, नहीं कोई मत दे सोना, एक बार वापस बोलिए क्या। मुल्तानी सोना हुआ पाकिस्तान की फेमस सौदा है भाई। ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूं भाई, तो है तो सही में बहुत तगड़ी है। इसमें अलग-अलग वैरायटी आती है, जो मौसम है इसमें करोड़ के चल रही है। अच्छा हलवा सेम है, गार्निश अलग-अलग। ये क्या भाव है। 800 रुपए का पाकिस्तानी इंडियन, 400 रुपए का इंडियन, 200 पाकिस्तानी 400। देखो मैं कह रहा हूँ इसको जो है ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी 400। वो 1/2 किलो दी पैकिंग, 250 किलो दी पैकिंग, 250 लगा लो यार। नहीं नहीं सेम प्राइस इसके, सेम फाइनल। नहीं चीज अच्छी लगी मुझे बहुत। नहीं नहीं पाकिस्तान में 800 रुपए है, ये देसी घी, ये प्योर देसी घी। भाई का कॉन्फिडेंस बोल रहा है चीज तो है ही अच्छी। देखो मैं सामान लेता हूँ, अगर पैसे बचते तो मैं लेता हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू भाजी। आपका नाम। यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी दुकान पे आइए, जरूर लीजिए। मेरे बजट के हिसाब से अगर बैठता है, करेंसी एक्सचेंज वगैरह देखा है, भाई दा चैलेंज चल रहा है ना, 500 रुपया टेस्ट में सही में बहुत अच्छा। मेड इन पाकिस्तानी है, मेड इन पाकिस्तान है। तो अपना जैसे अपन को वो बॉटल लेनी होगी पेप्सी की, कितनी की पड़ जाएगी। ये पाकिस्तानी 80 की। हां जी, इंडिया का 40। इंडिया 40। अच्छा ये थोड़ा छोटा कितना एमएल है, 500 एमएल है। तो इंडियन करेंसी तो सेम जा रही है, पाकिस्तानी करेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। इंडिया में ये नहीं है, ये नहीं, ये शुगर फ्री है, 7 अप। शुगर फ्री 7 अप, ये इंडिया में नहीं है। नहीं। ये कितने की है? मैं पहले ही देखे बाकी 80 और 40। मेरा जहांगीर। अरे क्या बात है यार, बहुत अच्छा लगा देखने में। 7 अप शुगर फ्री। तो ये हमारी फोटो खींच रहा है और छोटी सी स्मॉल टॉक के साथ साथ हम दोस्त हो गए। चलो जी, हाँ जी मैं रेडी, डन। चलो चलो भाई, ख्याल रखो सब, ख्याल रखो। तो तुम लोग आ रहे हो, तुम लोग जा रहे हो? जा रहे हैं। तो तुम मेरे को अंदर नहीं मिले यार, कहाँ रहते हो तुम लोग, कहाँ है तुम्हारा घर? इसी शहर में। यहाँ से कितना दूर है? 20 किलोमीटर। चलो बढ़िया, तुम तो आधे घंटे पहुँच जाओगे। ये आई थिंक जूस शॉप है, आइसक्रीम शेक पाकिस्तान 300, अखरोट 300, अनार जूस 300, मौसमी जूस 150। भाजी चकोतरा क्या होता है? सर ये चकोतरा पड़ा हुआ था आपने, ग्रेपफ्रूट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, पंजाबी में इसको चकोतरा कहते हैं। ये शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए बहुत आला चीज है। हिंदुस्तान में नहीं मिलता, ये मेरे को दिखाई नहीं आज तक, पहली बार देख रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं, कौन से इलाके? राजस्थान। उधर नहीं होता शायद, गलगल तो नहीं बोलते आपके उधर? आप शायद जो वीडियो देख रहे हो उनमें से किसी को पता है। अंग्रेजी में क्या होता है गलगल? नहीं नहीं, गलगल होंगी या हिल लेमन, ये होंगे ग्रेपफ्रूट, दोनों वक्रे वक्रे चीज़ा। ये वो नहीं गा ना, शक्ल तो ही पता लग जाता, गलगल थोड़ी होर हिसाब की होंगी, गुल्लू मुल्लू जी होंगी है, ये थोड़ी फ्लफी जी है।
मिल्कशेक 200, फ्रूट चाट 150, गाजर जूस 150 इंडिया के सामने वही 70-75। ये कैमरे के सामने बोल रहे हो सही में? अच्छा नहीं नहीं सही में अच्छा है। मजा मजा ले। आपका नाम? वाजिद हुसैन। और आपका नाम भैया? वसीम। एक बार फ्रूट दिखा था, ये ना जो मैं देख रहा था। हाँ, ये गलगल नहीं है। चकोत्रा, 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 ये है भाई चकोत्रा फ्रूट। ये क्या? ये गाजर का हलवा जनाब, आपको टेस्ट कराए। टेस्ट कराइए जी, टेस्ट कराइए। तो ये हम पाकिस्तान की मिठाई है, वैसे तो इंडिया में बनती है, बट पाकिस्तान का गाजर का हलवा टेस्ट कर रहे हैं। सही है पाजी? नहीं सही है पाजी, टेस्ट अलग अलग होता है क्योंकि घर 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 में टेस्ट बदल जाता है। अपन तो इतना दूर दूर है तो टेस्ट तो बदलेगा ही। क्या भाव है? तो ये 200 रुपए की टिप्पी है। पाजी पाजी इधर आओ। ये पाकिस्तान से ही है, थोड़ा इनसे बार्गेन। मतलब फुल कॉन्फिडेंस है यार, मैंने ये चीज़ यदि पसंद आई। उसका मेरे को बता रहे 400 रुपए इंडियन छोटा वाला डब्बे का। मैंने बोला 300 लगा लो, नहीं लगा रहे। यहाँ फिक्स रेट है या फिर लगा लेंगे? लगा लेंगे। चलो ना, मेरे को बात करो। अभी मैं इनके साथ जा रहा हूँ, मैं रेट कम करवाऊंगा। करेंगे क्यों नहीं करेंगे भाई, 300 करवा। बार्गेनिंग के लिए लेके जा रहा हूँ इनको। ये वाला डब्बा जो है ये बता रहे हैं भाई, कोई प्यार मत बात करो यार। नहीं फाइनल रेट नेट से पता कर लो। तानू तो इतना सोचना चाहिए कि फाइनल लेके रेट तानू से आप पता होगा। मेरे पक्का रेट है, वो रेट है जो पाकिस्तानी है वही है। मेरे को घर पहुँचने में 1.5 दिन लग जाएंगे। 1.5 दिन क्या, ये 10 दिन भी लगेंगे। यहाँ पे जूतियों की दुकान भी है भाजी। ये बिजी चल रहा है, डिपार्टमेंट बाद में देखेंगे या शायद नहीं देखेंगे, जो भी होता है। 50 इंडियन या पाकिस्तानी? और इंडियन 20। भाई साहब समोसा देखो कितना बड़ा है। आलू के पकोड़े क्या भाव है? समोसे खाते हैं। 200 की प्लेट है और ये पर 50 पीस है। तो क्या खाएगा जल्दी पता? एक लेंगे, आधा आधा खाना। एक ये ले लेंगे, समोसा दे दो एक समोसा। वेज बिरयानी ये पर प्लेट कितने की भाजी? 180 के। ये देखो एक लेंगे, आधा आधा खाएंगे। ये पाजी ने जूती ली है बच्ची के लिए अपनी। कितनी बताई? 600 रुपए। 600 रुपीज की पड़ी इंडियन। ये सारी जूतियाँ हैं? हाँ चार है। और 600 इंडियन रुपीज। पाजी एक चाय भी कर देना भाजी। ये हमारा समोसा है, चाट, समोसा चाट है बेसिकली। मैं थक गया यार, एक चम्मच लिया भाई जाके फटाफट से। तेरे लिए खुद के लिए लिया जा। सही है भाई साहब, ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये चाय पी रहे हैं। असली हिंदुस्तानी चाह तो इन्ना नहीं पीती है भरावा। बाद चो समोसे दे जड़ी नाल चाह पीती जावे ना, नज़ारा तो असली उससे ही है। वो जन्नत है यार, वो रूहानी एहसास है, वो नहीं मिल सकता जे बाद चो चाह पीने। तो समोसा खा रहे हैं, और क्या चाहिए भाई साहब? है नहीं चाय बहुत मजेदार। आप भी बहुत मजेदार आदमी। मजेदार सी चाय है। अपनी चाय बन रही है, उन्हें रेट नहीं कट कराया भरा तेरा। अदरक लौंग ये है ना, रेडी हो गई जी। बाय द वे चाय इज 80 पाकिस्तानी रुपीस और 40 इंडियन। आप कहाँ के रहने वाले? चाह महंगी है यार, वैसे 10 रुपए कप चल रहा है इधर पाकिस्तान जैसा। हम लवी हो गया, बहुत सारे आए हैं। कराची का अभी तो कोई नहीं मिला मुझे। जो लाहौर के लोग हैं ना वो संडे को ज्यादा आते हैं, छुट्टी होते हैं संडे को। संडे को ज्यादा। और कराची वाले सेम? कराची वाले को कोई पता नहीं, कराची वाले का कोई पता नहीं। वो मेले कमी होती है शायद, क्योंकि इसमें तो चीनी कम है। जैसे आप लोग यहाँ दुकान लगाते हो तो आप लोग को भी किराया देना पड़ता है कि? किराया देना पड़ता है। अब तुम सोच रहे हो मैं इनसे पूछूंगा किराया कितना देना पड़ता है, वो नहीं पूछूंगा यार। यार ये जरूर ले लूंगा हैंडीक्राफ्ट। भाजी कुछ बजट में दिखा दो यार अपना, सुविधा टाइप ले जाएंगे घर पे। तो यहाँ बहुत कुछ है, आई कैन सी घड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, शीशा भी है यहाँ पे, कुछ बॉक्सेस हैं सामान रखने के लिए यहाँ पे। ये भी डेकोरेशन पर्पस ही है मोस्टली। ये करतारपुर साहिब से ही फोटो है। सर आपका नाम क्या है? मुमताज अली। मुमताज अली जी, आई थिंक ये बंदा पाक इधरों राजस्थान तो बिलोंग कर देना था। इन्होंने मेरे ख्याल पंजाबी कल्चर पाकिस्तानी कल्चर वो बारे मतलब मेरे ख्याल बहुत घट पता, आई थिंक बिल्कुल ही नहीं पता। ता करके जो उन्होंने फस्ट एक्सपीरियंस है ना देख के अपन भी मज़ा आ रहा कि हाँ यार एक दूजा अनाउन बंदा उधर जाता जो तो उधर पंजाबी कल्चर देखता, उधर का खाना पीना देखता, ज सब चीज़ा देखता, उधर के स्टाइल दियाँ उधर के कल्चर दियाँ, तो कि लगता अपना कुछ पसंद कर लो। हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप जो पसंद करेंगे हम आपको दे। आपकी फेवरेट चीज़ क्या है? आपकी फेवरेट चीज़ क्या है जो आप देना चाहोगे? सारी फेवरेट। उनको तो सब बेच रहे हैं, सब फेवरेट है। सॉल्ट लैम्प, इसमें लाइटें सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट खराब नहीं होगा फिर? नहीं नहीं चलता रहेगा जी, चलेगा। ये कितने की है भाजी? ये कितने का जी? 1200 इंडिया, पाकिस्तानी 2200-2400। जो पीछे अपने घड़ी रखी हुई है सब जी, ये इतनी बड़ी वाली घड़ी, इसका रेट क्या है? 2000 पाकिस्तानी इंडियन। इंडियन बैंगल स्टड 800 इंडियन, ये 700 इंडियन। ओके है तो ये भी महंगा, बट ये एक ऐसी चीज है कि जो आप लटका के घर में चलती रहेगी आपकी। ये 1600। तो ये मैंने एक चीज बहुत सोनी काइंड ऑफ अ थिंग, बड़ी रॉयल लुक का, इट्स
350 पाकिस्तानी रुपीस, काइंड ऑफ 180-170 इंडियन रुपीस। अच्छा यहाँ पे ड्राई फ्रूट रखने का होता है, सामान थोड़ा महंगा। आप बड़ी फेमस चीज है ना, 1000 रुपया इंडियन, 1000 इंडियन। थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू। ये अगेन जूती वाली शॉप है, तो लेडीज के लिए यहाँ पे सॉर्टेड है, क्योंकि भाई ने अभी तक लिया कुछ नहीं है। लिया कुछ क्या ले लिया? इस भाई साहब ने शॉपिंग की है पाकिस्तान में आके तगड़ी वाली। अब तू मुझे बता, ऐसी चीज जो इंडिया में नहीं मिलती हो तेरे पास है? ये सील खजूर है। सील खजूर बोले तो ये तो पिंड पाकिस्तान की लोकल खजूर है। ये है पाकिस्तानी 600 रुपए किलो, इंडियन 300। बताया था ये कोकोनट बर्फी है। ये क्या भाव है? ये है पाकिस्तान 300 रुपए का। पाकिस्तान 300, इंडियन कुछ 120 होगा आई थिंक। अच्छा काजू इंडिया से आते हैं? जी जी। ओ तो फिर यहाँ आके महंगे हो जाते होंगे। जी जी। तो पिस्ता क्या भाव है? पिस्ता पाकिस्तानी 2400, आपका बनता है 1200। और बादाम क्या भाव है? दाम पाकिस्तान 1600, इंडियन 800। मतलब ऑलमोस्ट सेम, अपने उधर का रेट चल रहा है, सेम रेट चल रहा है। ये क्या भाई? खुबानी। नहीं खुबानी बोले तो खरमानी। खरमानी टेस्ट कर सकते हो? कर ले। नहीं नहीं नहीं, तो कैमरा है अपने पास। मेरे को भी नहीं पता मैंने क्या खाया, देखो सही बताऊं तो नाम से तो मुझे समझ में नहीं आया। खुरमानी बोलते हैं अपने उधर। क्या भाव है वीरे? मैं क्या ही ना नहीं बता। सैलेड ये कितने का भाई? पाकिस्तानी 600। हां जी इंडियन 300। ये पाकिस्तानी 100 बता रहा है, इसको तो पाकिस्तानी 70 कर लेगा ना। पाकिस्तानी 70 कर लेगा, 100 है बेसिकली। ले चलते हैं बाजैद सिंह। आप यहाँ पे आओ तो बाजैद सिंह को जरूर मिलना, इसकी ड्राई फ्रूट की दुकान अच्छी लगी मुझे। ठीक है ख्याल रखो। पूरा लेडीज ही है? तो अगर मैं मेरी सिस्टर के लिए कुछ ले जाना चाहूँ तो कुछ दिखाओ यार। आपका नाम? तो कीरो सर। अपन चाह रहे हैं कि भाई बजट में कुछ देखा जाए। स्टॉलर है, ठीक है जी। ये कितने का है? ये 1000 रुपये। ये भी 1000 रुपये में। अगर शॉल लेनी है तो ये चीज़ आएगी, स्टॉलर लेना तो वो चीज़ आएगी। तो लेडीज अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो देख लो, थोड़ा रेट वेट का आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। देख ले जैसे भी देख ले, पहले भी देख ले जैसे भी गए थी जब उधर लेके भी आई। अगर सही लगता है तो मैं आपके पास आता हूँ। बाकी सब नु यही गई अंदर। क्या रहा है? जैकेट है, अलग अलग तरह के कोट है। भैया कुछ प्राइस बताओ यार, ये वाले जैकेट ब्लू वाले की कितनी है? ये 2000 की। जी फाइनल प्राइस तो बताओ। पाकिस्तानी 2000 बता रहा हूं ना। नहीं फाइनल प्राइस थोड़ा बार्गेन करके नीचे। बार करके ही बता रहा, बार्गेनिंग तो मैं करता ही नहीं। बल्कि 1200 में लग जाएगी ये तो। इंडियन 1200 में लग जाएगी। बार्गेन कर रहा है कोई तो। अच्छा बाकी जो है वो लेडीज के लिए। जी मैंने आपको वादा किया था वो वाली छोटा वाला डब्बा दे दो। कितना बोला सर आपने? 400 रुपये। ये मैं रख लेता हूँ, थोड़ा कड़क सा नोट खुद ले जाऊंगा और बाकी 400 आप रखो। ठीक है सर। मैं राजस्थान से। व्हाट आई हैव बॉट, ये सौंफ, ये मिठाई जो मैंने आपको खाते वक्त बताई थी और दिखाई थी, और ये। सो इन 500 इंडियन रुपीस आई हैव बॉट दीस थ्री थिंग्स एंड नाल समोसा ते चाह भी। पर मेरे अकॉर्डिंग जेकर तुसी करतारपुर साहब जाने हो तो घट्टो घट भी जो बजट है ना उत्थे इंडियन 3000 रुपए का लैके चलो, क्योंकि जेकर तुसी उत्थे शॉप्स देखते हो तो उत्थे वह चीज़ा थोड़ा लैन मन करता भी मेरा तो करता, मेरा तो फिर मैं तो लै लैंदा हुंदा, फिर उदो आपां ही नहीं सोचीदा हुंदा भी ये किवें आ ते की सब। पर चलो सब का अपना अपना हिसाब आ। तो पर वीडियो मज़ेदार सी, अज काफ़ी डिटेल दे विच आपां देखिया, एंड एक एक्सपीरियंस तुसी शायद नोट किया होना बट मैं तो किया, पता नहीं क्यों आ, होना तो नहीं चाहिए वैसे, पर यह है चीज़ जो फैक्ट है। फैक्ट है मतलब आपां बहुत सारिया वीडियोज़ देखियां, जो कोई सरदार बंदा उधर जाता, जो कोई सिख जाता तो उन्हां नाल जिहड़ा बिहेवियर आ उधर दी जिहड़े लोग आ, मतलब उधर दे शॉपकीपरस आ, उन्हां दा बिहेवियर कुछ होर हुंदा। तो जेकर अज कोई आपां कोई होर बंदा देखिया तो उहदे नाल जिहड़ा बिहेवियर है वह कुछ होर आ, है ना। ये चीज़ परसनली मैनू फील हुई है, तुहानू हुई कि नहीं मैनू कमेंट करके दस्सो, बिकॉज तुसीं इस चैनल ते अपने नाल बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, तुहानू भी पता आपां ऑलरेडी बहुत सारिया इदां दीआं वीडियोज़ बनाईआं जिहदे विच आपां उत्थों दे शॉपकीपरस आ जिहड़े उत्थों उन्हां दा बिहेवियर देखिया। नो डाउट वो उत्थे भी पैसा कमाउण नूं बैठे आ, ढिड पालण नूं बैठे आ, पर जिहड़ा वह प्यार एक देखिया है ना, मतलब कि जिदा हुण साडे तों तां उन्होंने पैसे मंगे ही नहीं, साडे तों तां उन्होंने सर धक्के नाल असीं देख के आए हैं कि भई लो लो नहीं इदां नहीं पैसे लो, है ना। सानू बारगेनिंग करन दा तां मतलब कि कोई सवाल ही नहीं सीगा उत्थे, क्योंकि सानू जिन्ना वो असीं रेट पुछदे सी वो सानू दसदे ही नहीं सी, वो सातों लैंदे ही नहीं सी। मतलब ये एक्सपीरियंस बिल्कुल इट्स लाइक अपोजिट हो गया काम है। चलो एनीवेज प्यार है, पर सारे नू प्यार करो यार, इदां ना करो, भेदभाव ना करो। तो मज़ा आया वैसे वीडियो देख के, तो एक होर अज मज़ा आया कि बड़ी स्पैशल जी फील हो जाती है आपदे आप नू गल कि यार स्पैशल बंदे हैं तुसीं, बहुत प्यार करते हैं मतलब सानू, फिर असीं बड़े भागां वाले हैं, किस्मत वाले हैं कि तुसीं सानू इन्ना प्यार करते हो। अच्छा उत्थे जिहड़ी समोसा सीगा, समोसा वाकई वड्डा हुंदा ते चाह बहुत सवाद सी। मैनू हुण तां मैं उही गल कर रहा ना, मैनू तां रेट पता, अज पता लगा चाह दा रेट उत्थे 40 रुपए है, नहीं तो मैनू तो पता ही नहीं सी भरा कि चाह का रेट भी उत्थे इन्ना।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੇਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਦਰ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਬਸ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ